स्वागत है आप सबका सेंट लूसिया टिटैन ब्लास्ट के एक और वीडियो के अंदर। मुकाबला है यहाँ पर सल्फ्यूरस सल्फर सिटी स्टार्स बनाम मून रिपो स्टार्स के बीच में, जो खेला जाएगा डैरेन सैमी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 9:30 बजे। फिर से आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिलेगा। अभी तक अपना टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया है, कोशिश करेंगे अपन वो एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। पिछले मैच की बात करते हैं, कल 2 मैचेस अपन ने खेले थे और यहाँ पर देखो क्या हुआ, 76 कॉन्टेस्ट खेले और उसमें 50 कॉन्टेस्ट विन किए थे। उसमें बस एक गलती कर दी थी, जो वाइस कैप्टन था या फिर आप कह सकते हो इस प्लेयर पर हमेशा ट्रस्ट करता हूँ मैं, शर्विन चार्ल्स के ऊपर 2 कैच पकड़े और 16 पॉइंट वहाँ पे दे गया था। बैटिंग से नीचे आया, रन्स नहीं किए, इस वजह से वहाँ पे गेम न्यूट्रल चला गया। वरना अपन किसी और प्लेयर को इसके बदले लेते ना तो 1-sided 76 के 76 कॉन्टेस्ट अपन विन कर सकते थे। पर वही है, फैंटेसी अपन सीखते हैं और ग्रो करते हैं। अब दूसरे मैच की बात करते हैं, रात को 12 बजे जो गेम हुआ था इसके अंदर 73 कॉन्टेस्ट खेले और 46 कॉन्टेस्ट विन किए थे, मतलब 60% कॉन्टेस्ट वहाँ पे जीते थे। ज़ेवेल गैब्रियल को वाइस कैप्टन किया था, कैप्टन इसको करना चाहिए था, मैंने लिखा भी था वहाँ पे कि कैप्टनसी का अच्छा ऑप्शन है, जो वीडियो जिसने देखा हो। ज़ेवेल गैब्रियल, जनता किसके साथ आई थी, जनता यहाँ पे कैप्टन इसको करके आई थी ज़्यादातर, डेन एडवर्ड्स और मेलकन मनरोस को, ये दोनों प्लेयर्स फ्लॉप हुए थे इस गेम के अंदर। तो लेट्स सी क्या होता है इस मैच के अंदर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, इसका फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, यूट्यूब के ऊपर अपडेट देना मुश्किल होता है, कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर है। चलते हैं पे पिच रिपोर्ट की तरफ। तो इस वनडे के ऊपर लास्ट मैच आज की तारीख के अंदर ही हुआ था, रात को 12 बजे 20 मई को। किसके बीच में मैच था, साउथ कैस्टीज लायंस वर्सेस व्यू फोर्थ नॉर्थ रेडर्स के बीच में गेम था। उसमें पहले साउथ कैस्टीज लायंस बैटिंग करती है, 113 का टारगेट देती है, वी एफ एन आर चेस करने आती है 88 रन पे, 7 विकेट गवा के टारगेट चेस नहीं कर पाती। उससे पहले 113 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ, 105 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ, 90 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ, 91 बना, टारगेट चेस हो गया, 99 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। तो पिछले 6 मैचेस के अंदर 5 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं। ओवरऑल देखो 74 मैचेस के अंदर बैटिंग फर्स्ट 39 गेम जीते गए हैं, तो बैटिंग फर्स्ट एडवांटेज मिल रहा है। लास्ट 53 गेम्स के अंदर पेसर्स ने 279 विकेट्स निकाला है और स्पिनर्स ने 141 विकेट्स निकाले हैं, ठीक हो गया। और जो लास्ट मैच था 9 विकेट पेसर का था, 1 भी विकेट वहाँ पर स्पिनर्स का नहीं था। ये पिच देख लो आप, ऐसी पिच आपको देखने को मिलेगी। और ये स्टेडियम का व्यू है, ये आप देख सकते हो, 70 यार्ड की यहाँ पे बाउंड्री होती है, कॉमेंटेटर सुना था मैंने, ये CPL के दौरान ऐसी बाउंड्रीज थी यहाँ पे। स्टेडियम का व्यू देख लो, बड़ा खूबसूरत है मैदान है। रूल्स देख लो, पहले 4 ओवर पावर प्ले होते हैं टूर्नामेंट के अंदर, मैक्सिमम 1 बॉलर 2 डाल सकता है। सॉफ्टवेयर सल्फर सिटी स्टार्स की 11 की बात करता है, जूलियन सेल्वेस्टर ओपन करेगा, लेफ्टी बैटर विकेट कीपर बल्लेबाज है, टैरिक गैब्रियल के साथ राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है, जाइटस नुमल राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है, ये बॉलिंग कर भी रहा है, लास्ट वीडियो में बात भी करी थी, का भी था 4 विकेट ले आए, लेना चाहिए था, दिल तो कर रहा था वहाँ पे, सामने बहुत सारे लेफ्टी बैटर्स थे सामने वाली टीम में, तो लेना चाहिए था वहाँ पे, मेरा बैड मूव था कि इसको मैंने ड्रॉप कर दिया था। शाइनी मैस्मैन राइटी बैटर आइटम मीडियम बॉलिंग नहीं कर रहा है, ब्रैडली टिसन बहुत इंपॉर्टेंट है राइटी बैटर आइटम मीडियम, एस लिपल्टाई डेलिस मनरोस ऑफ स्पिनर इंपॉर्टेंट है, केवन गैसे राइटम मीडियम है, जर्मन चार्ल्स राइटम मीडियम है, टेंस लिपल्टा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैन प्रोस्पेरी बहुत अच्छा बॉलर है, रैडम फास्ट। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जूलियन सेल्वेस्टर ने पहले मैच में 28 किया, दूसरे में 0, फिर 41, फिर चौथे के अंदर 42, लास्ट मैच में 48, बहुत ही कंसिस्टेंट बैटर है इस टीम के लिए, इस टीम को लेके चलने की कोशिश करता है इंजन की तरह, लेकिन वो ये टीम में और प्लेयर्स परफॉर्मेंस देते ही नहीं है। टैरिक गैब्रियल लास्ट मैच में ओपन किया, 9 रन 34, 7 रन 25 रन, लास्ट मैच में 8 रन बनाया। जैटन समन ने पहले मैच में 17, फिर 16, फिर 15, सेकंड लास्ट गेम में 0 विकेट तक 18 रन देंगे और लास्ट गेम में 4 विकेट ले गया 15 रन देंगे भाई साहब। शानी मैस्वैन बॉलिंग नहीं कर रहा है, मैंने आपसे कहा भी था, ये दूसरे ही मैच के अंदर इस टूर्नामेंट के अंदर इंजर्ड हो गया था फील्डिंग करते हुए, हैमस्ट्रिंग पुल कर ली थी जितना मैंने सुना था वहाँ पे, अभी तक सही नहीं हुई है। 17 रन पहले मैच में, 0 विकेट बैटिंग नहीं करी, 7 रन 4 रन 1 रन। ब्रैडली टिसन सुपरस्टार, लास्ट गेम में 20 रन था, 6 गेंदों में मात्र 2 विकेट 19 रन देंगे, 2 विकेट 16 रन देंगे, बल्ले से 11 रन 1 विकेट, इज अ सुपरस्टार। एपल्टा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनरोज अच्छा डाल लेता है, 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। केवी गैसी लास्ट मैच में बॉलिंग करने नहीं आया, उससे पहले 1 ओवर डाला था, 15 रन दिया विकेटलेस, 1 विकेट 19 रन देंगे, 1 विकेट 29 रन देंगे, 0 विकेट 18 रन देंगे 1 ओवर में। तो केवी गैसी का रोल थोड़ा सा ऐसा ही रहा, ठंडा, कभी बॉलिंग करा रहे हैं कभी नहीं करा रहे, कभी 1 ओवर दे रहे हैं कभी बॉलिंग नहीं देते। जर्विन चार्ल्स इस टीम का मेन बॉलर है, पिछले मैच में 30 रन देके 0 विकेट था, उससे पहले 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट है 1 विकेट है। वैन प्रॉस्पेरी 0-0-0-1-2 लास्ट 2 मैचेस से विकेट में आया, ये विकेट की लिस्ट के अंदर अच्छा बॉलर है वे। स्टार्टिंग और वैन प्रॉस्पेरी
डेथ्रो के अंदर, इसे समझा आप और अच्छे से समझेगा। पिछले मैच में वेने प्रॉस्परी का पहला नवा था, केवन गैसी लास्ट मैच में बॉलिंग किया ही नहीं, ब्रैडली टीसन पावर प्ले में भी डालता और एक और डेथ में डालता, डैलिस मंडोस पांचवा सातवा, जर्विन चार्ल्स आम तौर पर डेथ में एक और डालता ही है पर लास्ट मैच में दूसरा चौथा डाल गया है, वरना हर मैच में देखो दसवा दसवा आठवा नवा, बस वो लास्ट गेम था जिसमें डेथ में बॉलिंग नहीं करी। जैटा सोनोमल हर मैच में आता है छठवा आठवा डाल के निकलता है। मून रिपोस्टार्ट्स सबना सिमल ओपन करेगा, विकेट कीपर लेफ्टी बैटर, लास्ट सीजन का आयुषन गेटर था, क्रिश्चियन चार्लर इस टीम के कप्तान ओपन करेंगे, सैंडी डेस्कट्स लेफ्टी बैटर है, राइट मीडियम फास्ट है, रोनल लेसमेंट राइट ही है। पिछले मैच में बहुत सारे भाई को मेरे को कमेंट और ट्वीट आया था कि क्रिश्चियन चार्लर ने विकेट निकाले, भाई ये विकेट नहीं निकाला था, वो हेजल चार्लर ही था। मैं मैच देख रहा था, कमेंट भी आपके पढ़ रहा था मैं, और ट्वीट भी बहुत लोगों ने किया था, हेजल चार्लर ने विकेट निकाले थे दो 10 रन दे के दो ओवर में। तो चार्लर ही राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है, कॉडी लेसमेंट लेफ्टी है, श्वेनेल एडवर्ड्स राइटी बैटर लेफ्ट आर्म पेसर है, डिचेक हेनरी राइट आर्म फास्ट, क्वीन गैस्टन राइट आर्म मीडियम फास्ट, मार्किन सेलवेस्टर ऑफ स्पिनर है, जमाल लेसमेंट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, बड़ा खूबसूरत प्लेयर है वो। शबाना सिनमल पहले मैच में 15, 22, 44, चौथे में 28, पांचवे में 3 रन। क्रिश्चियन चार्लर ही 6 रन, 25 रन, 10 रन, 0 रन, लास्ट गेम में 32 बनाया था और 60 पॉइंट्स देके गया था, अपनी टीम में था और अपने को स्मॉल लीग जिताने में मदद करी थी। सैंडी डेसरेट्स फिर से इंपॉर्टेंट कैप्टन होगा स्मॉल लीग में, 29 रन, 1 विकेट, 14 रन, 1 विकेट, 56 रन, 0 विकेट, 6 रन, 2 विकेट है, हर मैच में 50 पॉइंट देके जाता है, हर मैच में इसका ये नियम है। रोहन लेसमेंट का 36 रन, बैटिंग नहीं है, 4 रन, 0 रन, लास्ट गेम 18, बैटिंग अच्छी कर लेता है। हेजल चार्लरी लास्ट गेम में 2 विकेट निकाल दिए 10 रन देके, 0 रन, 29, 20 रन, मतलब पिछले 3 मैचेस में सिर्फ इसने लास्ट गेम में बॉलिंग करी थी। कियन गैस्टन अच्छा बॉलर है, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, तेज डालता है ये भी। कॉडी लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, श्वेनेल एडवर्ड्स पता नहीं क्या कर रहा है टूर्नामेंट के अंदर, 1 ओवर में 11 रन, 1 ओवर में 23 रन विकेटलेस, 2 ओवर में 25 रन, 1 ओवर में 12 रन, 1 ओवर, 2 ओवर में 3 रन, पहले मैच अच्छा डाला था, और लेफ्ट आर्म पेसर है। पिछले मैच में देख रहा था थ्रीडॉन करके एक लेफ्ट आर्म पेसर था व्यू फॉर्स नूडल्स टीम का, बहुत अच्छा स्विंग करा रहा था, तो ये भी ऐसा काम करके दे सकता है, ग्रैंड लीग में ट्राई करो उसको। हेनरी 0 विकेट, 0 विकेट, हर मैच में 1-1 डाल के निकल जाता है। मार्किन सेलवेस्टर पिछले मैच में 2 डाला, 26 रन दिया, 1 विकेट निकाला। जमाल लेसमेंट नहीं खेला लास्ट गेम, वैसे अच्छा स्पिनर हो भी। स्टार्टिंग और श्वेनेल एडवर्ड्स, केन गैस्टन, सैडी डेस्क्रेट्स एंड डीचे के हेनरी, डेथ के अंदर हेजल चार्लरी, केन गैस्टन, सैडी डेस्क्रेट्स। पिछले मैच में देखो श्वेनेल एडवर्ड्स का सिर्फ 7वां ओवर था, केन गैस्टन का पहला 9वां था। इस मैच में आप देखोगे श्वेनेल एडवर्ड्स पहले डालेगा ही डालेगा, क्यों डालेगा, एक तो दिन का पहला मैच है, बॉल यहाँ पे स्विंग हो रही थी लास्ट मैच के अंदर, तो इस वजह से ये लेफ्ट आर्म पेसर है, शायद 2 ओवर भी डाल जाए पूरे पहला तीसरा। केन गैस्टन का पिछले मैच में पहला 9वां था, डेस्क्रेट्स का 3रा 10वां था, हेनरी का 5वां था, डीचे के और हेजल चार्लरी का 6वां 8वां था, सेल्विस्टर का 2रा 4वां था। अब चलते हैं यहाँ पे ये सारे प्लेयर्स के टी10 स्टैट्स एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ। शानी मैस्मैन ने 11 मैच खेला टी10 में, 120 रन है, 185 का स्ट्राइक रेट है, 12 विकेट है, 10 की स्ट्राइक रेट है, हर 10 बॉल में 1 विकेट निकालता है, 9.5 का इकोनॉमी है, 11 मैचेस खेल के 21 ओवर बॉलिंग कर चुका है, सुपरस्टार प्लेयर है, बस दिक्कत इंजरी है इसकी। तो सारे प्लेयर के स्टैट्स आप देख सकते हो या बेस्ट अपने मोबाइल ऐप है स्टैट्स गुरुजी नाम से, आप जाके उसको डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पर फ्री है, ऐड फ्री ऐप है पूरा, उसमें एक भी ऐड नहीं है, तो आप जाके वहाँ पे स्टैट्स चेक कर सकते हो रिविजन के लिए। ये भी देख लो आप सबके स्टैट्स दिए मैंने, हर प्लेयर की फोटो है यहाँ पे, एक्सप्लेन करो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ्री में 500 रुपीज़ आपको साइन अप बोनस मिल जाएगा विजन 11 पे, डाउनलोड करके देखो। यहाँ पे 0 कमीशन कॉन्टेस्ट मिलते हैं जहाँ पर 100 रुपीज़ एंट्री फीस होगी, 7 लोग खेलते हैं, 7 × 7 कितना होता है 700 रुपया, तो आपको पूरा 700 रुपये का प्राइस पूल मिल जाता है, और एंट्री फीस कंपेयर करके देख लो, फायदा ही फायदा आपका। कॉमन कैप्टन सैड्रिक डेस्क्रेट्स और हेजल चार्लर होने चाहिए। बड़ी लीग्स के अंदर ब्रैडली टीसन, जूलियन सेलवेस्टर, शबाना सिनमल और शानी मैस्मैन को रोटेट कर सकते हो, और अपना 1 मिलियन का मिशन है भाई साहब, इतनी मेहनत करते हैं, दिन में 7-8 वीडियो लाता हूं मैं आपके लिए, और ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो यार, कैसा मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, आप सोचो एक बार। और मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, अपनी वेबसाइट भी statsstudio.com जाके स्टैट्स चेक कर सकते हो फॉर द रिव्यू। लाल यहाँ पर मैंने स्मॉल लीग के अंदर कैप्टन किया है सैडरिक डेस्क्रेट्स को, वाइस कैप्टन ब्रैडली टीसन को किया है। रीजन बड़ा सिंपल है, ब्रैडली टीसन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, पर पता नहीं टीम उसको क्यों नीचे भेजती है, इस सफरे सल्फर सिटी स्टार्स की टीम समझ के बाहर है, और प्लेयर्स को प्रमोशन देती है, इस प्लेयर को बेचारे को प्रमोशन देती ही नहीं है। हेजल चार्लरी, क्रिश्चियन चार्लरी, केन गैस्टन, डर्विन चार्ल्स, वेने प्रॉस्परी, जो अपने ट्रेंड चालू किया था उस प्लेयर को लेने का, अब सब इसको लेने लग गए। मनरोस है, सैटा सिनमल, जूलियन सेलवेस्टर, सुबना सिनमल है, ये 2 कीपर्स भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, कैप्टन से दोनों कीपिंग भी करते हैं,
और आपको पॉइंट्स भी दिए जाएंगे कीपिंग से। दोनों ने अभी तक 250 पॉइंट दे दिए सीजन के अंदर। ग्रैंड लीग में देखो किसको ट्राई करना है। चलते हैं बैटर सेक्शन के अंदर। तो रॉन लेसमेंट और टेनिक गैब्रियल एक बहुत अच्छे ग्रैंड लीग के लिए पिक हो सकता है। डीचे गैंड्री भी अच्छा प्लेयर है, बस वही है कि एक और मुश्किल से डाल जाता है किसी भी मैच के अंदर, विकेट नहीं मिल रही है उसको। वरना दो प्लेयर्स को ट्राई करो, डीचे गैंड्री, आपका जिगरा बहुत बड़ा हो तो एक दो टीम में रख लेना उसको। वरना यहाँ से शाइनी मैक्सवेन बहुत अच्छा बैटर है, रन्स नहीं बन रहे। एक शनविल एडवर्ड्स को ट्राई करना, लास्ट मैच में मैं जो स्पेल देख रहा था थर्ड राउंड का, देख के लगा लेफ्ट आर्म पेसर को क्या स्विंग मिल रही थी वहाँ पे। जमाल लेसमेंट खेलेगा तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में, मार्किन सलेशन ग्रैंड लीग में रोटेट करिएगा। तो ये 4 से 5 प्लेयर्स है जिनको ग्रैंड लीग में रोटेट करना है। 6 प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, पर लॉजिकली कहूँ तो मैक्सवेन बॉलिंग नहीं किया पिछले गेम, पिछले 3 मैचेस से लफड़ा है, लास्ट मैच में ही नहीं खेला, तो ये थोड़े से रडार के अंदर है। देखते रहे स्टैंड सुरू की लिंक ऑफ द टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लिए, घंटी बटन दबा दे। सी सुन, जय हिंद।